नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र आप सबका ज्ञान संगम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज HCS प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री का चौथा लेक्चर होने वाला है। मैं जल्दी से बता देता हूं हमने पहले तीन लेक्चर में क्या क्या किया है। पहले लेक्चर में हमने किया था कि किस तरह यूरोप से लेकर इंडिया तक के डायरेक्ट सी रूट की खोज होती है जो केप ऑफ गुड होप से निकलता है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोर्तुगीज स्टेट जो इंडिया में होता है वो कैसा था, और तीसरे लेक्चर में मैंने बताया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और उसी लेक्चर के एंड में मैंने आपको कुछ इंग्लिश का बैकग्राउंड दिया था। तो आज हम प्योरली इंग्लिश इन इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया को जानेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है, इंग्लिश और ब्रिटिश, इंग्लिश इन इंडिया। तो डच जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 1602 में हुआ था, और उनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी थी, ठीक है। बैटल ऑफ बादनेरा 1759 में, जिसे बैटल ऑफ हुगली चिनचूरा ये सब बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं इंग्लिश इन इंडिया। तो यूरोप में जैसा कि आपको पता है रिनेसा आ चुका है, और उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब पुर्तगाल इंडिया आ गया है, डच इंडिया आ गए हैं, तो इंग्लैंड क्यों पीछे रहे? इस रेस में इंग्लैंड भी कूदेगा। तो इंग्लैंड क्यों कूदता है? रिनेसा और वो सब फैक्टर जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे वो तो है ही, और कुछ दो स्पेशल डेवलपमेंट होती हैं। एक 1580 में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक सेलर होते हैं, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का यात्रा पर निकलते हैं, ठीक है। और दूसरा 1588 में एक स्पेनिश अरमाडा था। स्पेनिश अरमाडा क्या था? स्पेनिश अरमाडा एक 130 जहाज़ों का एक फ्लीट था, बेड़ा था, जहाजी बेड़ा था, जिसे ब्रिटेन वाले हरा देते हैं, ठीक है। ब्रिटेन हरा रहा है तो इसका मतलब ब्रिटेन की नेवल जो पावर है वो बढ़ रही है। इससे पहले हमने नेवल पावर किसके केस में देखी थी? पोर्तुगीज़ के केस में देखी थी, कार्फिटोरेज सिस्टम और ये सब चोक पॉइंट पॉलिसीज, ठीक है, अलब्रुक की, अल्मीडा की, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा लेक्चर्स का, आप देख लेना। अब ये सब हो गया है, इसके बाद जो ब्रिटेन का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और दूसरों को भी देख रहा है, पुर्तगाल को देख रहा है, स्पेन को देख रहा है, डच को देख रहा है। तो इसके बाद 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो होती हैं फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं EIC लिखूंगा, चार्टर प्रदान करती हैं। शुरू में 15 सालों के लिए होता है और 1609 में इनडेफिनेट टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है। ये जो चार्टर इनडेफिनेट के टाइम के, आगे अगर हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, 1793 का, 1813 का, फिर 33 का, उसमें ये देखेंगे कि इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है या 20-20 साल के लिए, बाद में चेंज कर दिया जाता है टाइम पीरियड, उसको हम आगे देखेंगे। अब क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दे दिया है कि ईस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, व्यापार कीजिए, हमारे बिहाफ पर ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अब इस टाइम भारत के राजा 1600 में अकबर हैं, उसके बाद जहांगीर आ जाते हैं। अकबर का राज रहता है 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, अकबर राज करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे लगातार तीसरा चौथा लेक्चर आ गया और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आ रहे हैं। फैक्ट्स इसलिए आ रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट का मैच खेलने के लिए उतरती है तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं, कब उतरे, 11 प्लेयर के नाम क्या क्या है। तो अब ये क्रिकेट की टीम तैयार हो रही है, मैच कहाँ होगा? भारत में होगा। किसके बीच में होगा? कभी पुर्तगाल डच का होगा, कभी डच इंग्लैंड का होगा, कभी इंग्लैंड फ्रेंच का होगा। तो मैच सजेगा, और उसका वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? उसका वर्ल्ड कप जीतेगा ब्रिटेन। तो अभी ये टीम तैयार हो रही है, ठीक है। अब 1609 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आते हैं, अब राजा बन चुके हैं भारत के, जहांगीर, जो अकबर के बेटे हैं, और इन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था, ठीक है। अब कैप्टन हॉकिंस इंडिया आते हैं कि कोई ट्रीटी की जाए, कोई प्रिविलेज हमें जहांगीर दें, या कुछ और भी रियायत हमें मिले, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता है। इनके जहाज का नाम था रेड ड्रैगन,
कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद 1611 में 1611 में कैप्टन मिडलटन इंडिया आते हैं जहांगीर के दरबार में, और कुछ रियायत इन्हें मिल जाती हैं। रियायत इन्हें क्या मिलती है कि आप फैक्ट्री लगा सकते हो। तो ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री इंडिया में सूरत में लगती है, वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, वेस्ट कोस्ट। सूरत जो शहर है वो ताप्ती रिवर पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जहांगीर के दरबार में 1615 में थॉमस रो कह लीजिए आपकी मर्जी है, जो जेम्स वन राजा होता है उसके एम्बेसडर होते हैं, और इन्हें पर्शियन भाषा भी आती होती है। तो ये जहांगीर के दरबार में आते हैं और इन्हें कुछ रियायत मिल जाती है। अब कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, अहमदाबाद इन गुजरात, आगरा, आज तो यूपी में है, उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत में था, भरूच क्या है, गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो थॉमस रो जहांगीर से ये सब ले लेते हैं, मतलब यहाँ फैक्ट्री अब लगा लीजिए। इसके बाद 1616 में साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री लगती है मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम जो थी, गोलकुंडा जो स्टेट है, राजा है, किंगडम है, उनके अंडर आती थी, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ। और मसूलीपट्टनम में पहले से ही कौन बैठा हुआ है, डच बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इंटरफेयर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ लड़ाई होगी, वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब क्या होता है, ब्रिटिश पहले वेस्ट में आ चुके हैं, सूरत में आ गए हैं, और फिर साउथ में आ गए हैं, मसूलीपट्टनम में आ गए हैं। अब क्या होगा, अब वो सोचेंगे कि भारत के दूसरे हिस्सों में जाया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें। व्यापार का मतलब सस्ती चीज़ें खरीदना और उन्हें यूरोप में जाकर महंगे में बेचना, ये था मर्चेंट कैपिटलिज्म। तो इसी दौरान क्या होता है, 1632 में इन्हें गोल्डन फरमान मिल जाता है, जो गोलकुंडा के राजा हैं वहाँ से, ठीक है, गोलकुंडा मसूलीपट्टनम। इसके बाद 1633, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हरिहरपुरा बालेश्वर या बालासोर बोल लीजिए, आजकल उड़ीसा में पड़ता है ये, पहले जो था बंगाल में था, पहले जो बंगाल था ज्वाइंट बंगाल था, उसमें कौन सा था, बांग्लादेश का एरिया, भारत का जो वेस्ट बंगाल है उसका एरिया, बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया, झारखंड का एरिया, ये बहुत बड़ा स्टेट था जो एग्रीकल्चर के वे से भी रिच था, लेबर के वे से भी रिच था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसके बाद पोर्ट भी यहाँ पर, हुगली पोर्ट हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब ढाका हो गई, और टेक्सटाइल में भी मसलिन हो गई ढाका की, ये सब जो था। तो अब ये बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री आ गई है, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल रीजन। तो ब्रिटिशर्स को आपको तीन वे से पढ़ना है, वेस्ट में सूरत, साउथ में मसूलीपट्टनम और आगे चेन्नई बनेगा, और ईस्ट में बालेश्वर हो गया, हुगली हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब ईस्ट में आएंगे। अब क्या करेंगे, 1639 में चंद्रगिरी के जो लोकल रूलर होंगे उससे कुछ सेटिंग करेंगे, मतलब प्रिविलेज लेने की कोशिश करेंगे, फरमान लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें फरमान मिल जाएगा मद्रास का, जिसे आज चेन्नई बोलते हैं, और यहाँ बनेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि अंग्रेज़ों ने पहले अगर पूछ ले कौन सा प्रेजिडेंसी टाउन में अपनी कॉलोनी बनाई थी, फैक्ट्री बनाई थी, तो मद्रास आंसर आएगा, ठीक है, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बंगाल हो गया, ये तीन प्रेजिडेंसी थी, ठीक है,
जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कर दिया गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको सुप्रीम बना दिया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स उसके गवर्नर जनरल थे। तो ऐसे याद रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था कहाँ पर पड़ता था, मद्रास में पड़ता है। अब मद्रास में आ चुके हैं, सूरत में आ चुके हैं, अब ईस्ट की तरफ जाएंगे। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1651 में अब जो बंगाल है, देखिए पूरा मुग़ल अम्पायर है और इस दौरान तक कौन राजा है, ठीक है, मुग़ल अम्पायर पूरा चल रहा है और शाहजहाँ औरंगजेब ये सब राजा आ चुके हैं जहांगीर के बाद। तो मुग़ल अम्पायर जो है बहुत माइटी है, बंगाल तक फैला हुआ है। तो यहाँ जो लोकल सूबेदार होते हैं या गवर्नर हैं उससे वो एक फरमान ले लेते हैं, उनको परमिशन मिल जाती है, अब हुगली में हुगली फैक्ट्री इस्टाब्लिश हो जाती है। ये याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हुगली की घटनाएं और इसके आसपास कलकत्ता की घटनाएं ही हैं जो आगे चलकर 1757 के प्लासी वॉर ऑफ प्लासी का कारण बनेगी, ठीक है। प्लासी की बैटल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के गवर्नर के अगेंस्ट में लड़ी जाएगी, ठीक है, जिसमें इनका साथ देंगे मीर जाफर, उसे हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। अब पुर्तगाल भी इंडिया में है, ठीक है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती है कैथरीन, उसका विवाह जो ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स उनके साथ हो जाता है 1662 में, ठीक है, 1662 में मैरिज किसके बीच में होती है, पुर्तगाल की तो पुर्तगाल प्रिंसेस कैथरीन और ब्रिटेन या इंग्लैंड के किंग चार्ल्स फर्स्ट, इनके बीच में विवाह हो जाता है और बदले में डोरी में मिलता है। अब आप ये मत कहिए कि डोरी सिर्फ इंडिया में ही है, डोरी में मिलता बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे डोरी में मिलता है। अब जो राजा हैं चार्ल्स, उनको क्या करना है बॉम्बे का, इतने दूर बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं आराम से ऐशो आराम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बॉम्बे का क्या करेंगे, बॉम्बे का वो करेंगे, इसे देंगे वो एनुअल पट्टे पर, ठीक है, एनुअल फीस के साथ, बॉम्बे वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखना है। अब देखिए पहले मद्रास में आए, अब बॉम्बे में आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, औरंगजेब इन जो हैं मुग़ल अम्पायर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अटैकिंग हैं, और उधर से ब्रिटिशर्स की क्या एम्बिशंस हैं, अपना ट्रेड बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। अब ट्रेड बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे बड़े इमोरल थे, इन अनएथिकल थे, मतलब कोई भी पॉलिसीज़ अपनी जबान पर नहीं रहते थे, कुछ वायदा कर दिया थोड़े दिनों बाद मौका लगा घात लगा और जैसे ही दुश्मन को कमज़ोर पाया या साथी को कमज़ोर पाया अटैक कर दिया किसी भी वे में, ऐसा सब करते रहते थे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बंगाल में टेंशन स्टार्ट हो जाती हैं। बंगाल में टेंशन होने का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग मुग़ल अम्पायर जो दिल्ली में बैठे हैं वो क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। तो बंगाल में जो ब्रिटिश होते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं, उसको हरा दिया जाता है, रोट आउट, ठीक है, विक्ट्री ऑफ मुगल्स ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल रीजन। अंग्रेजों ने सोचा था डराएंगे धमकाएंगे कुछ चाले चलेंगे और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, पर वो नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही एम्बिशन है कुछ ना कुछ करने की, करतूते कर रहे हैं, ठीक है, बट ये नहीं हो पाया क्योंकि औरंगजेब बहुत स्ट्रॉन्ग मुग़ल अम्पायर वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें मार दिया, हमें पीट दिया, अब हम बातचीत करेंगे। तो बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट होगा बिटवीन मुगल्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया है कि अभी पंगा लेने का वक्त नहीं है। मुगल अंपायर बहुत स्ट्रांग है, औरंगजेब बहुत स्ट्रांग आदमी है, और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा और जो ट्रेड के एम्बिशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब सोचती है कि किसी ना किसी परफेक्ट मौके की तलाश में रहा जाए, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज मिल सकें, हम ट्रेड कर सकें, सस्ता माल खरीद सकें, हमें पोर्ट भी आसानी से मिल जाए और हमें कोई दखल भी ना दे। ठीक है, अब क्या होगा एक अलग से बात बताता हूँ। 1688 में इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन आ जाती है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात, कलकत्ता जो बनता है वो तीन गांव का इन्हें दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, गोविंदपुर एंड कालीघाट। ठीक है, ये आगे चलकर कलकत्ता बनेगा और कलकत्ता में ये स्थापना होगी फोर्ट विलियम की। ठीक है, इसके जो पहले गवर्नर थे वो गवर्नर आयर थे। ठीक है, अब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ, भारत में क्या परंपरा रही है, जब जब दिल्ली पर या किसी और हिस्से में स्ट्रॉन्ग एम्पायर रहा है, स्ट्रॉन्ग किंग रहा है, तो सारी जो लैंड है वो एक साथ रहा है। जैसे जैसे दिल्ली की पावर वीक हुई है तो रीजनल किंगडम्स बनकर उभरे हैं। औरंगजेब की मौत के बाद बहादुर शाह बैठते हैं गद्दी पर, ठीक है, जो वीक रूलर हैं। इसके बाद आपने सैयद ब्रदर्स का नाम सुना होगा, सैयद ब्रदर्स, जो इन्हें क्या बोला जाता है, किंग मेकर्स, कभी किसी को किंग बना दिया, कभी किसी को किंग बना दिया। ठीक है, तो ये सब कहानी चलती रहती है। औरंगजेब की डेथ के बाद कुछ रीजनल किंगडम्स आते हैं, जैसे बंगाल उनमें से एक होता है, हैदराबाद उनमें से एक होता है, अवध उनमें से एक होता है, इन्हें हम जानेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, औरंगजेब गुजर गए हैं, वीक रूलर आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फारूक सियार एक रूलर आएंगे मुगल अंपायर, ये इनको एक फरमान देंगे 1717 में, इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो था रियल में इंग्लैंड में आया था, शायद 1215 के आसपास आया था। ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा डेट को। अब इसमें इन्हें प्रिविलेज मिलते हैं, प्रिविलेज क्या मिलते हैं, देखिए दो तीन इम्पोर्टेंट प्रिविलेज मिलते हैं। एक तो दस्तख्त, राइट टू इशू दस्तख्त टू कंपनी एम्प्लॉयज। ठीक है, दस्तख्त क्या होता है, परमिशन पासिस, मिंटिंग क्वाइन, अपने सिक्के बना सकते हो, मतलब एक सोवरेनिटी। क्वाइन कौन बनाता है, करेंसी कौन छापता है, आज करेंसी अपने इंडिया में आरबीआई छापता है और क्वाइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने के क्वाइन छाप सकती है, 1000 रुपये तक के क्वाइन छाप सकती है और 1 रुपये का नोट छाप सकती है। 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के, ये इकोनॉमिक्स की बात हुई। और जो करेंसी नोट छापता है इंडिया में वो आरबीआई छापता है। ठीक है, आरबीआई किस बे पे छापता है, नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉड मनी क्या होती है, ठीक है, और ये हाई पावर्ड मनी क्या होती है, उनके बेसिस पर छपता है। जब इकोनॉमिक्स करेंगे तब हम उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिंटिंग क्वाइन मतलब एक अपनी तरह के स्टेट की परमिशन दे रहा है। और इसके अलावा हैदराबाद में H4 हैदराबाद, B4 बंगाल एंड S4 सूरत में भी कुछ प्रिविलेज दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इंग्लिश इन इंडिया और उनकी जर्नी कैसे कैसे रही। आने वाले लेक्चर में हम एक बार देखेंगे कि फ्रेंच कब आते हैं, 1664 में फ्रेंच आते हैं और फ्रेंच की जो गतिविधियां इंडिया में रहती हैं उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी क्या रहती है, तीन एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो होते हैं उनको देखेंगे और उनके रीजंस क्या थे उनको देखेंगे। उसके बाद हम प्लासी के वॉर से इंग्लिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश एम्पायर इंपैक्ट इन इंडिया देखेंगे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर इन सब टॉपिक पर रहेंगे। आप सबने मुझे सुना उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू।